हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास सेवन साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 11 टॉपिक एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखो बच्चों, एक्सक्रेशन का मीनिंग क्या होता है? निकालना। तो आज हम इस टॉपिक में ये कवर करेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, मटेरियल है, उनको कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? एक्सक्रेशन बोला जाता है, भाई शरीर से अनवांटेड प्रोडक्ट को बाहर निकालना। देखो मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं वो उसको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान थ्रू ए लंग्स। लेकिन जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये हम आज कवर करेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है ना, सेल्स क्या करती है, फंक्शन करती है। उस फंक्शन के दौरान क्या है, कुछ एक वेस्टेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे शरीर से बाहर निकलते हैं आज हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सक्रेशन की मीनिंग का ही पता होना चाहिए क्या होता है। एक्सक्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? निकालना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। देखो बच्चों, एक्सक्रेशन क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, हमारे शरीर से अनवांटेड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, या फिर जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, जो जितने भी संजीव प्राणी हैं उनकी सेल्स जो फंक्शन करती है, तो वो क्या करती है बच्चों, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करती है, और उन अनवांटेड प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन। ठीक है, और जो ये एक्सक्रेशन होती है ना हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, तो वो किसकी हेल्प से होती है, हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से। ओके, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम ही क्या करता है, हमारे शरीर से अनवांटेड मटेरियल को और अनडाइजेस्टेड फूड लाइक यूरिन, इनको क्या होता है, शरीर से बाहर निकालता है। तो इसके क्या है पार्ट, मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने पार्ट है बच्चों। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके चार पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो चार पार्ट कौन कौन से हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब उसमें कितने पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसके मेन पार्ट कौन कौन से है जो है हमारे शरीर का एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, किडनी। किडनी क्या होती है बच्चों, गुर्दा। यूरेटर क्या होती है, मूत्र नली। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बच्चों, मूत्राशय। और यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र मार्ग। और लास्ट में क्या आती है, यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो हमारे वेस्टेज मटेरियल है शरीर के, वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन है, वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इनका अलग अलग से फंक्शनिंग बताऊंगी कि कैसे हमारे शरीर में किडनी का क्या काम होता है, यूरेटर का क्या काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरेथ्रा का क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे किडनी। किडनी क्या होती है बच्चों, हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है, जिसे मैं अब आपको डायग्राम से दिखाऊंगी। ये क्या है बच्चों, दो किडनी है हमारे शरीर की। ये पूरा ही क्या है जो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों, किडनी इन्वॉल्व होती है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, और लास्ट में आता है ओपनिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके फंक्शन करवाऊंगी। ठीक है, जो क्या होते हैं बच्चों, जो किडनी है हमारे शरीर में कितनी होती, किडनी दो होती। ठीक है, किडनी का मेन काम क्या होता है, जैसे कि इसमें आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा कि ये क्या है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है शरीर का। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी दो किडनी होती है। ठीक है, एक है रेनल वीन्स और ये होती है रेनल आर्टरीज। ठीक है, ये दो हमारी किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड में। ठीक है, किडनी से जो ये क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है यूरेटर। ओके, और लास्ट में जैसे कि यहाँ दिखा रखा, जहाँ पे हमारा जो यूरिन है, मूत्र है, वो पेशाब वो यहाँ इकट्ठा होता है, उसको क्या बोला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट में जो ये यहाँ पे लास्ट का ये पार्ट होता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ये क्या होता है, इसका यूरेथ्रा। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, शरीर से अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमें इसकी फंक्शनिंग करेंगे क्या होती है। देखो बच्चों, किडनी क्या होता है, गुर्दा। किडनी आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, इट एलिमिनेट द वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो देखो किडनी क्या होता है, हमारे शरीर का एक सबसे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, मतलब शरीर से अनवांटेड प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या होता है हमारे शरीर का, किडनी होती है। ठीक है, किडनी के बगैर क्या है, हमारा शरीर में जितने भी वेस्टेड प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल सकते।
ओके मतलब क्या है कि बच्चों जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है ओके तो अब मैं इसको क्या करवाऊंगी इसके फंक्शन करवाऊंगी ये तो क्या हो गया जनरली इसकी डेफिनेशन होगी किडनी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर दो किडनी पाई जाती हैं जिनका मेनली काम क्या होता है वेस्टेज प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना एलिमिनेट का मीनिंग होता है भी बाहर निकालना ओके देखो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस देखो बच्चों क्या होता है हमारे खून के अंदर क्या है अभी जो हमारा ब्लड है रक्त है उसमें क्या है यूजफुल भी प्रोडक्ट होते हैं और क्या है हार्मफुल प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे क्या होता है हम इनहेलेशन कर देते तो ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाती है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होती है ओके और जो मैंने ब्लड के फंक्शन करवाए थे उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि ब्लड क्या होता है क्या कार्य होते हैं ब्लड के ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखना कि एक 7th क्लास के नाम से क्या एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको लेसन फर्स्ट से लेके लेसन 11 तक की सारी वीडियो मिलेगी उसी में आपको ब्लड वाला भी एक पार्ट मिलेगा ठीक है तो बच्चों देखो इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड ठीक है देखो बच्चों क्या होता है कि जो किडनी होती है ना किडनी क्या करती है जो ब्लड है ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है किडनी क्या करती है किडनी जो ब्लड के अंदर हार्मफुल जितने भी सब्सटेंस होते हैं इन हार्मफुल सब्सटेंस को तो क्या कर देती है उस ब्लड से रिलीज कर देती है और आगे ट्रांसफ़र कर देती है ठीक है आगे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरेटर के यूरेथ्रा के जो हमारा यूरेटर है उसके थ्रू क्या कर देती है जो अनवांटेड प्रोडक्ट है उनको खून से रिलीज करके हटा के कहाँ भेज देती है यूरिनरी ब्लैडर में ओके और जो यूजफुल सब्सटेंस है ब्लड के अंदर उनको क्या कर देती है दोबारा से ब्लड में बैक कर देती है ओके मीनिंग क्या है कि फिल्ट्रेशन का काम करती है ये क्या होता है द वेस्ट इज डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन ठीक है देखो बच्चों क्या होता है जो सबसे पहले क्या किया था कि जो ब्लड है हमारे शरीर का वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पे जाता है किडनी के पास जाता है किडनी क्या करती है उसमें से जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज कर देती है और किस में डिजोल्व कर देती है वाटर के अंदर और वो क्या होता है फिर वो जब वो अनवांटेड वेस्टेज किस में डिजोल्व होते हैं वाटर से तो वो क्या बनता है वो हमारे शरीर से रिमूव होता है किसके रूप में मूत्र के रूप में यूरिन से ठीक है और जितने यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनका वो दोबारा से खून में ही मिक्स कर देती है ठीक है तो पहला हमारा क्या पार्ट था किडनी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया सेकंड है हमारा यूरेटर ये क्या होते हैं बच्चों देखो ये किडनी है ये आया है यूरेटर अब हम इस यूरेटर के फंक्शन पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे यूरेटर होता क्या है ठीक है यूरेटर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स वेस्टेज फ्रॉम किडनी पासिंग थ्रू द यूरेटर ठीक है देखो बच्चों क्या फंक्शन होती हैं इसके जैसे कि हमारे घरों में कूड़ा कचरा हो जाता तो हम क्या करते हैं पाइप से जो वाटर वाली पाइप्स होती हैं उनसे उसको साफ करते सेम ऐसे ही फंक्शनिंग होती है ठीक है जो जितने भी हमारे अनवांटेड प्रोडक्ट थे किडनी ने क्या किया कि उन अनवांटेड प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया किसके अंदर वाटर के अंदर तो वो क्या बन गया है वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं अनवांटेड प्रोडक्ट एज ए यूरिन के रूप में जब वो वाटर में मिक्स होते हैं तो वो कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलते देखो बच्चों यहाँ से किडनी ने अनवांटेड प्रोडक्ट को बाहर छोड़ा तो वो किस में एंटर हो गए इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होंगे ठीक है यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है यूरेटर होती है ठीक है और तो इसका काम क्या होता है जो भी यहाँ पे क्या था अनवांटेड प्रोडक्ट थे उनको उन अनवांटेड प्रोडक्ट को कहाँ पे पहुँचाता है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है ओके कहाँ तक पहुँचाता है यूरिनरी ब्लैडर तक भाई विद द हेल्प ऑफ यूरेटर अनवांटेड प्रोडक्ट मटेरियल पासिंग इन यूरिनरी ब्लैडर ठीक है कहाँ तक पहुँचते हैं यूरिनरी ब्लैडर में तो क्या आया है बच्चों फ्रॉम द देखो क्या है यूरेटर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वेस्ट इज फ्रॉम किडनी पासिंग थ्रू द यूरेटर ठीक है जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो किसके थ्रू पास होते हैं हमारे यूरेटर के थ्रू पास होते हैं ठीक है अब आया है यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है एक थैली होती है ठीक है ये क्या होता है बच्चों थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर का हिंदी में मीनिंग क्या होता था वो क्या होता है मूत्राशय ठीक है जहाँ पे हमारा जो यूरिन है वो सारा इकट्ठा होता है और फिर क्या होता है वो यूरिन किसके थ्रू यूरेथ्रा से और जो इसकी ओपनिंग थी लास्ट में उससे क्या होता है ये बाहर निकलता है ठीक है तो अब मैं आपको करवाऊंगी यूरिनरी ब्लैडर क्या है फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर ठीक है तो क्या होता है बच्चों देखो
जो किडनी से क्या आए हैं, जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे इकट्ठे होंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, किसके थ्रू इकट्ठे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि तीनों का फंक्शन क्या होता है। लास्ट में आया हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, जिसके थ्रू जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट है वो शरीर से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन कहाँ पे इकट्ठा हुआ बच्चों, ये पूछा जाता है ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में कि यूरिन कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और किसके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरेटर के थ्रू, और कौन ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती है, किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज गोज आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है, एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यूरेथ्रा क्या होता है, जो ये मस्कुलर ट्यूब होती है ना, इसका जो ये एंड है इसको क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा बोला जाता है, ठीक है। मेनली क्या है कि यूरेथ्रा का काम क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट या यूरिन इकट्ठा हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, उसको शरीर से रिमूव करवाने का काम किसका होता है बच्चों, यूरेथ्रा का होता है, ठीक है। तो ये थे फंक्शन। ये आज हमने क्या कवर किया है, अभी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। इसके मेनली चार पार्ट थे बच्चों। पहले क्या था, किडनी, फिर क्या आया है, यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको डायग्राम से बताऊंगी। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट था एक्सक्रेटरी सिस्टम का, किडनी। हमारे शरीर में दो किडनी होती है, और इस किडनी का काम क्या होता है बच्चों, ब्लड को फिल्ट्रेशन, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उसको क्या कर देती है, ब्लड से रिलीज करके वाटर में डिजोल्व कर देती है, ठीक है। जो अनवांटेड प्रोडक्ट वाटर में डिजोल्व हुए हैं तो वो क्या होते हैं, यूरेथ्रा के यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं एज ए यूरिन, यूरिन के रूप में, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा था यूरेटर। यूरेटर क्या था बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसके थ्रू अनवांटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, पास आउट होते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था मूत्राशय, ठीक है, जिसमें जितने भी जो हमारा यूरिन है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, अनवांटेड प्रोडक्ट या यूरिन, क्या यूरिन इज कोलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है, कंटेन करता है यूरिन को थ्रू ए यूरेटर, ठीक है। और लास्ट में क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या होता है बच्चों, जो यूरिन इकट्ठा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर में, उसको शरीर से बाहर निकालता है, इट रिमूव द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या करता है, उस यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो अब मैं इसका देखो बच्चों क्या होता है, जो हमारा यूरिन है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूरिन में कितने परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट यूरिया होता है, और कितने परसेंट अदर वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो हमारे मानव का जो यूरिन होता है ना, क्योंकि मेनली जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट के रूप में क्या देते हैं, वो यूरिन को ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यूरिन के अंदर वाटर होता है बच्चों 95% प्रेजेंट, 25% यूरिया होता है, 25% ही क्या होते हैं, अदर वेस्टेज होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो एडल्ट है ना, वो एक दिन में, मैं आपको बताऊंगी कि कितना यूरिन पास आउट करता है अपने शरीर से, ठीक है। तो एक एडल्ट क्या है, 24 घंटे में वन पॉइंट एट लीटर क्या है, यूरिन को पास आउट करता है, ठीक है। ये भी क्या आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे में एक जो वयस्क मानव है वो कितने यूरिन को रिलीज करता है, 1 लीटर से 1.8 लीटर के लगभग, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि जो हमारे ये है ना, कि गर्मियों के अंदर हमें क्या आता है, गर्मियों के अंदर पसीना आता है, ठीक है। जब गर्मियाँ होती है तो हमारे शरीर में पसीना आता है, और जो हमारे क्लोथ हैं वहाँ पे क्या है, वाइट पैचेस हमें नज़र आती हैं, जैसे कि अंडर आर्म जो हमारी अंडर आर्म्स होती है ना, वहाँ पे पसीना आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दाग लग जाता है, दाग सा प्रेजेंट होता है पसीने की वजह से, वाइट कलर का, तो वो क्यों होता है, ठीक है। तो देखो क्या रीज़न होता है, इन समर डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू दिस आवर बॉडी टेम्परेचर इज राइज, द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट इट्स सेक्रेशन टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर स्टेबल। देखो बच्चों क्या होता है
कि जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, गर्मियों के दिनों में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो स्वीट ग्लैंड है, जो पसीने वाली ग्रंथि है, वो क्या करती है, सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो हमारे शरीर की ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, जो पसीने वाली ग्रंथि है, वो क्या करने लग जाती है, हमारे शरीर से पसीने का सेक्रेशन करने लग जाती है, ठीक है। तो जब वो शरीर से पसीने को बाहर निकालती है, तो उससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जो स्वेट कंटेन वाटर एंड साल्ट, व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। साल्ट इज लविंग बिहाइंड द साल्ट विच अपियर एज वाइट पैचेस ऑन आवर क्लोथ। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, जो पसीना कहाँ से निकला है, स्वेट ग्लैंड ने जो पसीना छोड़ा है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और साल्ट, ठीक है। देखो बच्चों, पसीने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और साल्ट प्रेजेंट होता है। तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर पर जो पसीना आया वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो पसीना इवेपोरेट होगा। ये नहीं होता बच्चों कि हमें पसीना आने के बाद हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती, तो वो किस वजह से ठंडक महसूस होती है, वेपोरेशन ऑफ स्वेट, ठीक है। क्योंकि पसीने का क्या हो जाता है, वेपोरेशन हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी हो जाती है, ठीक है। देखो क्या क्या कंटेन किया था पसीने ने, वाटर और साल्ट। वाटर का तो वेपोरेशन हो गया है बच्चों, तो बचा क्या है, सोल्ट बचा है। तो वही जो सोल्ट पीछे बचा है, तो वो क्या हो जाता है, हमें अपियर होता है एज ए वाइट पैचेस। तो यही रीजन होता है कि पसीना आने के बाद हमारे क्लोथ्स के ऊपर वाइट पैचेस नज़र आते, क्यों, क्योंकि वाटर का तो इवेपोरेशन हो जाता है, और जो साल्ट बचता है वो साल्ट हमें वाइट पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक और यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे सुरई होती है, तो वो क्या होते हैं अभी, उनसे भी क्या है, गर्मियों में ठंडा पानी क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है बच्चों, सेम वही रीजन साइज के अंदर भी, क्योंकि जैसे ही हम सुरई या मटके में क्या पानी डालते हैं, तो वो मटका किसका बना होता है बच्चों, मिट्टी का बना होता है, ठीक है। तो उस मिट्टी के बने हुए मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, माइनर से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और उन छिद्रों से क्या होता है बच्चों, वाटर का इवेपोरेशन होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, उस मटके का पानी ठंडा होता है। जैसे हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है ना पसीना आने के बाद, क्योंकि पसीने में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका इवेपोरेशन हो जाता है। सेम यही रीजन होता है, जो मटका होता है ना उसका पानी ठंडा होता है, क्यों, क्यों, बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर ऑफ द पॉट विच काज कूलिंग, ठीक है। पोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पोर्स का मीनिंग होता है छोटे छिद्र, उन छोटे छिद्रों से वाटर का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन। और वाटर के इवेपोरेशन की वजह से ही क्या होता है, मटके का पानी ठंडा लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज किया गया है कि क्या जो अनदर, क्या सभी के सभी जो एनिमल्स हैं वो वेस्टेज प्रोडक्ट के रूप में यूरिन को ही पास आउट करते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सही नहीं है, क्योंकि हर एनिमल्स जो हमारे अनदर एनिमल्स है, जैसे क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है, लैंड एनिमल्स, बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, या फिर जो हाँ ये जितने भी हैं, तो इनमें क्या है, हर का अलग अलग क्या होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। मेनली जो ह्यूमन्स बींग है वो तो क्या होते हैं, रिमूवल, जो वेस्टेज प्रोडक्ट रिमूव करते हैं वो यूरिया करते हैं, ठीक है। यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, उनके यूरिया, ओके। तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो जितने भी रिमूवल वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं ना किसी भी एनिमल्स के, वो डिपेंड करता है उसकी कितनी अवेबिलिटी है वाटर को कंटेन करने की, ठीक है, कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेबिलिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक क्या होती हैं, फीसेस, जो मछलियां होती हैं, तो वो क्या एक्सक्रेट करती हैं, अमोनिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंपिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपके जो एग्जाम होंगे ऑप्शन टाइप में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। क्या होता है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जितने भी, जैसे फीसिस होती हैं, तो वो क्या एक्सक्रेट करती हैं, क्या निकालती हैं अपने शरीर से बाहर, अमोनिया को, ठीक है। जो लैंड एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, ठीक है, जो पक्षी हैं, लिजार्ड और स्नेक है, ये क्या करती हैं, एक्सक्रेशन, मतलब कि इसको हम अपने शरीर से बाहर क्या छोड़ते हैं, ये एक सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड, मतलब क्या होता है, सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड, जिसका नाम क्या होता है, यूरिक एसिड। तो आपको क्या ध्यान रखना, जो बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक क्या एक्सक्रेट करते हैं अपने शरीर से, यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड क्या होता है, एक सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड,
होता है, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी ह्यूमंस बीइंग्स हैं तो उनका मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? यूरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन बीइंग का मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, एक्वेटिक एनिमल्स का अमोनिया, लैंड एनिमल्स का जो बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, उनका होता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायलिसिस, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायलिसिस क्या होता है बच्चों? ये डायलिसिस प्रोसेस तब होती है जब कि हमारी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। जब किडनी फेलियर हो जाती है ना, तो ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता हमारे शरीर में, क्योंकि किडनी का काम ही क्या होता था, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। जब किडनी खराब हो जाएगी, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो हम अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो किडनी खराब होने की वजह से क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाया जाता है, तो वही क्या होता है, डायलिसिस, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है डायलिसिस? डायलिसिस इज ए प्रोसेस, डायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड, डायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय यूजिंग ए आर्टिफिशियल किडनी व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, डायलिसिस वो प्रोसेस होती है, डायलिसिस एक खून को क्या है, फिल्टर करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। जब और ये फिल्ट्रेशन किससे किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी से। जब किसी आर्टिफिशियल किडनी से क्या किया जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डायलिसिस। और आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड का प्योरिफिकेशन कब किया जाएगा, जब क्या होता है, हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, या फिर किडनी फेलियर हो जाती है, तब एक आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, डायलिसिस, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। देखो बच्चों क्या होता है, अगर हमारा जो समय समय पर अगर जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन ना किया जाए, तो क्या होता है, हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो बच्चों ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं होता, तो वो ब्लड का प्योरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। किडनी खराब होने से क्या किया जाता है, जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है पीरियोडिकली, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, डायलिसिस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम वो कैसे क्या क्या वर्क करता है, ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसका एक और पार्ट बनेगा बच्चों, फिर हमारा ये 11th लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।